हेलो एवरीवन। तो आज हम घटना चक्र के तीसरे चैप्टर, जो कि पॉलिटी का तीसरा चैप्टर है, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इसको डील करेंगे। तो हम पॉलिटी के सेक्शन को लेके आगे चल रहे हैं। इस दौर में हम तीसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और हम आगे बात करेंगे। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम मई 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी। ध्यान दीजिएगा कि स्वराज पार्टी के द्वारा रांची में मई 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, M.N. रॉय ने किया था। ठीक है, संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में रांची में की गई थी और भारत में संविधान सभा के गठन के विचार का विषय में जो बताया था वो M.N. रॉय जी ने बताया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार 1935 के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संवैधानिक सभा की मांग की गई थी। तो M.N. रॉय जी ने तो पहली बार मांग किया, 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा रांची में डिमांड किया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसकी मांग की गई थी और की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, संविधान का निर्माण जो करना है इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचक के आधार पर गठन किया गया, अर्थात कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो ये कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 की, इसमें संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उनका जो निर्वाचक मंडल था वो एक मतलब कहे कि एक प्रतिनिधित्व करने के लिए जनसंख्या के आधार पर उनका निर्वाचन हुआ था। प्रतिनिधिक निर्वाचन जो था वो जनसंख्या के आधार पर इनका गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर यह कहें कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से 296 सदस्य, अर्थात 296 मेंबर्स आर फ्रॉम दी ब्रिटिश इंडिया। जो 296 सदस्य थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे, 93 मेंबर्स आर फ्रॉम दी प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतों से 93 सदस्य थे आवंटित किए गए थे। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्य का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों तथा 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया गया था। ठीक है, 296 सदस्य जो प्रतिनिधि कर रहे थे वो ब्रिटिश प्रांतों का कर रहे थे, जबकि उसके अंतर्गत 292 सदस्य 11 गवर्नरों के प्रांतों से थे और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत से थे। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों में से ब्रिटिश भारत को जो आवंटित थे उनमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ठीक है, देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया और देशी रियासतों ने तो भाग नहीं लिया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। ठीक है, यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1945 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक को उपस्थित हों। देखिए, मैंने आपको बताया कि टोटल सदस्य जो भारतीय जो ये
कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो संविधान निर्माता सभा थी उसमें 389 सदस्य थे, उसमें से मैंने आपको बताया 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे, जिसमें से चुनाव के पश्चात 208 सदस्य कांग्रेस ने जीते थे और 15 सदस्यता सीटें मुस्लिम लीग ने जीता था, और उनमें से 15 सीटें आपकी 73 सीटें मुस्लिम लीग, 15 सीटें अन्य जो छोटे दल थे स्वतंत्र रूप से जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनके जीते थे, और 93 सदस्य जो थे ये रियासतों से आए थे। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 389। अब इनमें से हमने आपको बताया कि कांग्रेस के इतने सदस्य जीते, कौन कौन मुस्लिम लीग से जीते। ठीक है, अब इन सदस्यों का जो चयन हुआ था वो वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अधिनियम के आधार पर मैंने बताया कि मताधिकार कर शिक्षा और संपत्ति के आधार पर किया गया था, और संविधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित पहले सदन में किया गया जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ। सभा की पहली बैठक हुई और कुल 207 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष के रूप में, चूंकि ये बहुत बुजुर्ग थे इसलिए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर माननीय श्री स्वर्गीय श्री डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। 11 दिसंबर जो दूसरा अधिवेशन था इसमें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसके कुल 11 अधिवेशन हुए, कुल अवधि 165 दिन की लगी थी। 11वें अधिवेशन जो अंतिम दिन है, जिस दिवस को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 नवंबर, अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया। इन 11 अधिवेशनों के अंतर्गत, अर्थात इसके 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त भी हमने संविधान सभा को पुनः 24 जनवरी 1950 को बुलाई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, 24 जनवरी सन 1950 जो कि हमारे जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उससे 2 दिवस पूर्व ही हमने सभी सदस्यों को आमंत्रित किया और संविधान पर हस्ताक्षर करवाया। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव जिन्हें हम शॉर्ट में बीएन राव के रूप में हम बुलाते हैं, उनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, अर्थात बीएन राव हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और संविधान सभा में कुल महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15 था। उनके नाम विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू जी, सुचिता कृपलानी जी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी, राज्यपाल बनी और साथ ही साथ भारत की पहली राज्यपाल भी बनी, महिला राज्यपाल, पूर्णिमा बनर्जी जी, लीला राय जी, दुर्गा बाई जी, हे हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेला युदन और बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। ये 15 महिलाएं थीं जिन्होंने 26 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा में महिला होते हुए सदस्यता अपनी रखी थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इसके पीछे कारण यह था क्योंकि मुख्य रूप से हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो भारत को रिप्रेजेंट करने वाली एकमात्र पार्टी के रूप में सामने आई थी, वो कांग्रेस थी और कांग्रेस के ही सारे सदस्य हर एक क्रियाओं में शामिल थे। इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया
गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला था, खुला रखा गया था कि वो शामिल हों, पार्टिसिपेट करें, पर उन्होंने शामिल नहीं हुआ। और अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तो मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल करके एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। तो इस प्रकार हमने घटना चक्र के पॉलिटी सेक्शन के तीसरे चैप्टर संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।